प्रणाम बच्चों, आज हम उपवन के फूल कविता पढ़ने जा रहे हैं। पहला पद है, हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। भावार्थ है, जिस प्रकार तरह तरह के सुंदर फूल, रंग बिरंगे फूल सबके मन को पसंद आते हैं और हमारे मन में भी नई आशा और उम्मीद जगाते हैं, उसी प्रकार हमारे देश में भी अनेक जाति धर्म के लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। दूसरा पद है, हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। इसका भावार्थ है, फूल अपनी सुगंध चारों ओर फैलाते हैं और बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। फूलों की यह इच्छा है कि हमेशा हर स्थिति में दूसरों को सुख दे। फूल जिस प्रकार उनके रूप रंग अलग होते हुए भी एक ही बगीचे में रहकर अपनी सुगंध फैलाते हैं, उसी प्रकार हमें भी दूसरों को सुख देने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा पद है, कांटों से गिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। इसका भावार्थ है, फूल कांटों के बीच में रहकर भी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। फूल अमीर गरीब का भेद न देखकर दोनों को समान रूप से प्यार लुटाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रेम फूल प्रेम लुटाते हैं, उसी प्रकार हमें भी कष्टों का सामना करते हुए दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चौथा पद है, तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। कवि कह रहे हैं कि, और इसका भावार्थ है कि, हमें भी फूलों के जैसा जीवन जीना चाहिए और प्यार के सबको गले लगाना चाहिए। मुसीबतों का सामना करते हुए दुनिया का हर कोने को महकाना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि हमें भी फूलों की तरह जीवन जीना चाहिए, दूसरों की मुसीबतों को गले लगाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। फूलों की तरह हमें भी मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, चारों ओर महकाना चाहिए। इस कविता द्वारा छात्र एकता के महत्व को समझेंगे, सबको प्रेम करना और मिलजुल कर रहना सीखेंगे।